वीडियोस में आपको मैंने पहला पेपर सोलेबल का पढ़ाना स्टार्ट किया था और कुछ ही वीडियो अपलोड कर पाए थे और किसी वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। अब हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, आपको जहां तक हमने पढ़ाया था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल पे और कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे ये हमारा इन्फॉर्मेशन, ये ओ लेवल जो पहला सब्जेक्ट है, आसानी से लोगों तक पहुँच सके। आज हम इस वीडियो में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे सिस्टम को ऑपरेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे सिस्टम को ऑपरेट करता है। यह यूजर द हार्डवेयर के बीच एक परस्पर संबंध स्थापित करता है, यूजर के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह हुआ, जैसे ये हमारी बॉडी है, ये बॉडी भी हमारा क्या है, एक तरह से सिस्टम है। हमारी बॉडी क्या है, एक तरह से सिस्टम है। अब इस बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम देखें तो हमारी बॉडी का क्या है, सोल, आत्मा है। अगर हमारी बॉडी के अंदर आत्मा नहीं होगी तो हमारी बॉडी का संचालन होने वाला नहीं है। मतलब हम किसी हर तरह से स्वस्थ हों, सब कुछ हमारे बॉडी का हर पार्ट सही हो, बट आत्मा हमारे बॉडी के अंदर ना हो तो हमारी बॉडी का कोई भी संचालन नहीं हो सकता, हम कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। उसी तरह आप एकदम ब्रांड न्यू कंप्यूटर खरीद के लेके आइए, सारे आप हार्डवेयर खरीद के न्यू कंप्यूटर खरीद लीजिए, जब तक उसमें आप ओएस नहीं डालेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे, तब तक आपका कंप्यूटर चलने वाला नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर चलने वाला नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे सिस्टम को ऑपरेट करता है, जो हमारे सिस्टम को क्या करता है, चलाता है। और यूजर तथा हार्डवेयर के बीच एक परस्पर संबंध स्थापित करता है और यूजर के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा तब तक हमारा कंप्यूटर चलेगा नहीं, या कह सकते हैं कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा जो भी हार्डवेयर है वो एक तरह से, या हमारा सिस्टम जो है वो पूरी तरह से निर्जीव रहेगा। जब ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ेगा तभी उसमें कोई भी मूवमेंट हो सकता है। जैसे इस ग्राफ के माध्यम से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, सबसे नीचे लेवल पर आपका हार्डवेयर हुआ, आप कंप्यूटर खरीद के लेकर आए, हार्डवेयर आ गया आपका दम ब्रांड न्यू। अब ये हार्डवेयर आपका तब तक नहीं चलेगा, तब तक ऑपरेट नहीं, जब तक उसके अंदर आप ओएस नहीं डालेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो आपका हार्डवेयर चलने लायक हो जाए। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम आप डालेंगे, जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया गया हुआ है, भाई एमएस ऑफिस हुआ, चलो टैली हुआ, फोटोशॉप हुआ, ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन पर आप वर्क करते हैं। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, जब पहले ओएस डालेंगे फिर एप्लीकेशन, इसके बाद आप यहाँ पे वर्क करते हैं। अगर देखा जाए सिंपली सा तो सबसे नीचे आपका हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर के बाद आपको ओएस इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर आपका चलेगा नहीं। जब ये ओएस इंस्टॉल हो जाएगा तभी आप कंप्यूटर पे कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर पाएंगे। इसके बाद आपका एप्लीकेशन के बाद यूजर वर्क करता है, यहां पे यूजर वर्क करेगा, सबसे नीचे हार्डवेयर रहेगा, उसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, इसके बाद यूजर आप वर्क करेगा। क्लियर? अब हमने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर के सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और यूजर तथा हार्डवेयर के बीच एक परस्पर संबंध स्थापित करता है और यूजर के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे सब इंटरफेस आता है, तो यहाँ पे हमें जानने की जरूरत पड़ती है, भाई इंटरफेस क्या होता है, व्हाट इज द इंटरफेस? तो सबसे पहले हमें जानेंगे इंटरफेस क्या है। इंटरफेस इज इन अ प्लेस वेयर द यूजर इंटरैक्ट, इंटरफेस वह स्थान होता है जहाँ पे यूजर का सामना होता है। जैसे कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं तो उसका एक जो आपके सामने एप्लीकेशन खुल गया था वो एक तरह से क्या हुआ, इंटरफेस हुआ। उसी तरह मेरे कहने का मतलब हुआ कि जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो कोई ना कोई विंडो खुल के आएगी, तो वही वो क्या होगी, आपका इंटरफेस, जहां पे आप इंटरेक्ट होते हैं, या कह सकते हैं कि इसे काम करने के मोड के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया,
कंप्यूटर में बिना इंटर जिसे आपने मोबाइल अगर यूज करते हो तो मोबाइल पे जो स्क्रीन खुल के आई वो भी तो एक इंटरफेस हुआ, वो इंटरफेस है। इसी तरह कंप्यूटर में जब आप काम करेंगे तो जो विंडो खुल के आएगी वो इंटरफेस कहलाएगा। तो कंप्यूटर में इसको दो भागों में बांटा गया है, कंप्यूटर में इंटरफेस को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है CUI और दूसरा है GUI। कंप्यूटर में विंडो काम के अनुसार दो भागों में बांटा गया है, CUI एंड GUI। अब सबसे पहले हम CUI की बात करते हैं, करेक्टर यूजर इंटरफेस। करेक्टर यूजर इंटरफेस कहीं कहीं कमांड लाइन यूजर इंटरफेस भी लिखा रहता है। देखिए इस एनवायरनमेंट में यूजर किसी भी काम को करने के लिए एक स्पेसिफिक कमांड का उपयोग करना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब हुआ यह एनवायरनमेंट जिस शुरुआती दौर के जब कंप्यूटर आए हुए थे लिनक्स जैसे वर्जन पे लोग हम जहां पे GUI एनवायरनमेंट नहीं हुआ करता था, हर एक काम करने के लिए मुझे स्पेसिफिक कमांड का उपयोग करना पड़ता था, बिना कमांड के हम कोई भी काम नहीं कर सकते थे। तो CUI मोड में काम करना थोड़ा सा टफ होता था क्योंकि उस एनवायरनमेंट में यूजर को कोई भी काम करने के लिए बिना कमांड के वो कर नहीं पाएगा, तो उसलिए कमांड को रटना थोड़ा सा टफ होता था, इसलिए इस एनवायरनमेंट में यूजर को वर्क करने में थोड़ी सी कठिनाई होती थी। फिर आपका आया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आज ये एनवायरनमेंट फेमस है, कह सकते हैं कि इसी एनवायरनमेंट पर हम लोग ज़्यादा वर्क करते हैं, ग्राफिकल एनवायरनमेंट पे ही वर्क करते हैं। ये कंप्यूटर इस एनवायरनमेंट में काम करना बहुत ही सरल होता है क्योंकि यह आइकन बेस्ड होता है। GUI एनवायरनमेंट हमारा क्या होता है, आइकन बेस्ड होता है। यहाँ पे हम आइकन बेस्ड आधारित होने की वजह से हम माउस से कीबोर्ड से आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन यही चीज़ हम CUI में बेसिकली वहाँ पे कीबोर्ड का उपयोग करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे हर वर्क करने के लिए हमें स्पेसिफिक कमांड का उपयोग करना पड़ता है और हम जो वर्क करेंगे वो GUI एनवायरनमेंट में ही वर्क करेंगे। जैसे आप जो मोबाइल आप लोग यूज़ करते होंगे वो आइकन बेस्ड है, वो कौन सा एनवायरनमेंट आपका GUI बेस्ड है, वहाँ पे आपने टच किया वो चीज़ है। तो GUI एनवायरनमेंट में यूज़र को वर्क करना आसान होता है, आसानी से किसी भी वर्क को कर सकता है। तो आपको क्लियर हुआ इंटरफेस इज इन अ प्लेस वेयर द यूजर इंटरेक्ट, इंटरफेस वह स्थान होता है जहाँ पे यूजर का सामना होता है। कंप्यूटर में इंटरफेस को दो भागों में बांटा गया है, पहला CUI दूसरा GUI। CUI का पूरा नाम है करेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, एंड GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो चलिए यहां पे हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए मैं यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हमने आपको इसके पहले आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर के सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और यूजर तथा हार्डवेयर के बीच एक परस्पर संबंध स्थापित करता है और यूज़र के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यूज़र के लिए क्या प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पर यूज़र का सामना होता है। अब यहाँ पर मैं बात करने का टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की बातें करते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हम लोग हिंदी भाषी हैं तो जो चीज़ अगर हमने अपने अगल बगल से एग्जांपल लेकर अगर मैं समझूं तो आसानी से समझा जा सकता था। अगर मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करूँ, यहाँ पे मतलब विभाजन की बात कि टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, तो जो मूल होता है वो सेम रहता है, बस उनके वर्क करने के आधार पर हम उनको अलग अलग कर देते हैं। अगर मैं जैसे मैं बात करूँ मिठाई की, अगर मैं बात करूं जैसे स्वीट्स, अगर आप बात करो भैया स्वीट्स, तो उसका मूल मंत्र क्या है। अगर मैं मिठाई की, चाहे जितनी भी टाइप की मिठाई आप खाते होंगे, अगर सब देखेंगे उसका मूल मंत्र क्या है, मीठा होना। बेसिकली वो क्या होता है, मीठा होता है। चाहे जो भी मिठाई आप लेंगे सब मीठा है, कोई भी कभी भी कोई भी मिठाई क्या आपको लगा नहीं भैया ये दूसरे किस्म का आता है, ये नहीं है तीखा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे मिठाइयाँ क्या होती हैं, सब मीठा होते हैं, लेकिन उसको कई कैटेगरी में भैया ये गुलाब जामुन है, ये छेना है, ये अलग, तो ये इनको हमने क्लासिफिकेशन कैसे किया, उनके बनावट के अनुसार, उनके रख रखाव के अनुसार उसको हमने अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पे भी आपको बस आपको बेसिकली फोकस करना है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर के सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, यूजर और यूजर तथा हार्डवेयर की परस्पर संबंध स्थापित करता है और यूजर के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे सारे ऑपरेटिंग, चाहे मैं जितने भी वेराइटी पढ़ूंगा, जो बेसिक वर्क है वो सबका सेम है,
लेकिन बस इनके वर्क करने के तरीके अलग अलग है, इसलिए इनको अलग अलग हमने क्लासिफिकेशन अलग अलग इसको बांट दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम की कई श्रेणियों में बांटा गया है, लेकिन हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रमुख प्रकारों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले हम क्या जानते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने भी पहले भी कहा कि भैया हम लोग हिंदी भाषी है तो हिंदी में चीजों को आसानी। सिंगल मीन्स क्या होता है, अकेला। यूजर मीन्स क्या होता है, चलाने वाला। किसको, ओएस को। अकेला चलाने वाला ओएस को। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे एक समय में केवल एक ही यूजर वर्क करे, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे एक समय में केवल एक ही यूजर वर्क करे, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अकेला चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिस पे एक समय में केवल एक ही यूजर वर्क कर सके, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे बेसिकली जो आपका पीसीज होते हैं, जो उसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े हुए हैं वो सिंगल यूजर है। लैपटॉप पे आप तो एक ही यूजर एट ए टाइम काम करेगा ना, कि एक लैपटॉप पे चार लोग काम करेंगे, एक समय में एक ही यूजर वर्क करेंगे, ये कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए हमारे, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने कहा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे एक समय में केवल एक ही यूजर वर्क करे, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं हम लोग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। हम किसकी बात करते हैं, मल्टी यूजर की बात करते हैं। मल्टी मींस क्या होता है, एक से अधिक। क्या ओएस, मल्टी यूजर एक से अधिक। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे एक समय में एक से अधिक यूजर वर्क कर सके, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे एक समय में एक से अधिक यूजर वर्क कर सके, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे एक समय में एक से अधिक यूजर वर्क कर सके, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें बेसिकली होता क्या है, आप एक सिस्टम अगर देख लेंगे, उसके पास एक आपका सीपीयू रहेगा, कैबिनेट से बोलते हैं कीबोर्ड माउस, ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में इंस्टॉल होगा, इसी से अलग अलग मॉनिटर कीबोर्ड माउस इसी से कनेक्ट कर दिया जाता है। मतलब ओएस सिर्फ एक सिस्टम में पड़ा होगा, सिर्फ इसमें, इसी ओएस को ये भी यूज करेगा, ये भी यूज करेगा। मतलब मल्टीपल यूजर वर्क कर सकेंगे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे, अलग अलग वर्क करेंगे अपना। तो ऐसा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो क्या कहलाएगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे एक समय में एक से अधिक यूजर वर्क कर सके, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब हम बात करते हैं सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हम बात करते हैं सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल मींस क्या होता है, अकेला। टास्क मींस क्या होता है, कार्य। ओएस पर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे एक समय में केवल एक ही कार्य हो, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे एक समय में एक ही कार्य हो, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। आप सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग में कंफ्यूज मत होइएगा। सिंगल यूजर का तात्पर्य होता है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे एक समय में केवल एक यूजर काम करेगा। यूजर हो सकता है मल्टीपल काम कर सके, उसकी मर्जी। मतलब एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे एक समय में केवल एक ही यूजर वर्क करे, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगल यूजर बोलेंगे। और यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे केवल एक समय में केवल एक ही कार्य हो। मतलब अगर मैं जैसा गाना सुन रहा हूं तो उसमें सिर्फ गाना सुनेंगे,
और कोई काम नहीं करेंगे, मतलब एक समय केवल एक ही कार्य करेंगे, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। अब आ जाता है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी मतलब इसका होता है एक से अधिक, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे एक समय में एक से अधिक कार्य हो सके, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीटास्किंग। आज जितने भी ओएस मार्केट में चल रहे हैं, जो भी यूजर्स हो रहे हैं, सारे के सारे ओएस मल्टीटास्किंग हैं, क्योंकि आजकल जमाना जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है मल्टीटास्किंग का। ऐसा भी आदमी होता ना भाई, ऐसे टीचर को हायर करें जो हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल भी पढ़ा ले, लैंग्वेजेस भी पढ़ा ले, मतलब जिसके अंदर मल्टी टैलेंटेड होता है, वो आज उसकी डिमांड ज़्यादा है। अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ तो क्रिकेट में जो भी ऐसा प्लेयर जो होता है, जो ऑलराउंडर होता है, उसको कोई निकालने की कोशिश नहीं करता। वो चाहता है कि भाई जो कैप्टन होता है उसे पता होता है अगर ये फील्डिंग नहीं, मतलब बॉलिंग नहीं अच्छा कर पाएगा तो बैटिंग अच्छा कर लेगा, मतलब उसके, क्योंकि वो मल्टीपल वर्क करता है। उसी तरह मल्टीटास्किंग, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे एक समय में एक से अधिक कार्य हो सके। भाई आप टाइपिंग भी करते रहो, उधर वीडियो भी चला दिए, उधर फेसबुक भी लगे हो, एक ही समय में कई कार्य कर रहे हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाएगा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। आज जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में चल रहे हैं, वो सारे सब मल्टीटास्किंग की क्षमता होती है उसके अंदर, एक समय में एक से अधिक कार्य आप कर सकते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, अब यहां पे बात कर लो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए इनपुट पर तुरंत प्रक्रिया करता है। मेरे कहने का मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है विशेष प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें जैसे हमने इनपुट दिया, इंस्टेंट उसका रिजल्ट वो देता है। बेसिकली इसका साइंटिस्ट लोग जो उपयोग होते हैं, वो उपयोग ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि वहां पर एक सेकेंड का इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हुआ, मैंने आपको बताया टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में बताया, मैंने कहा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिस पे एक समय में केवल एक ही यूजर वर्क कर सकेगा, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिंगल यूजर बोलेंगे। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे एक समय में एक से अधिक यूजर वर्क कर सके, वो क्या कहलाएगा, मल्टी यूजर कहलाएगा। सिंगल टास्किंग, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे एक समय में केवल एक ही कार्य हो, वो सिंगल टास्किंग कहलाएगा। मल्टीटास्किंग, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे एक समय में एक से अधिक कार्य हो, वो क्या कहलाएगा, मल्टीटास्किंग। तो चीजें आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपके इंटरफेसेस क्या होते हैं, इतनी चीज क्लियर हुई। आगे हम बात करें फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने आपको, जब से मैं ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और यूजर तथा हार्डवेयर के बीच परस्पर संबंध स्थापित करता है, और हमको एक इंटरफेस देता है। बेसिकली कोई पूछे भाई इसके ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या हैं। तो मेरे कहने का, तो जो आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रोसेस मैनेजमेंट। सबसे पहला क्या है, प्रोसेस, जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का तात्पर्य, मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ प्रोसेस मैनेजमेंट, अब प्रोसेस क्या होता है पहले वो समझिए, और रनिंग प्रोग्राम इज नोन एज अ प्रोसेस, जो वर्क्स हमारे कंप्यूटर में होते हैं, जो एग्जीक्यूट करते रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। आप जानते हैं कि एक समय में हम लोग मल्टीपल वर्क कर सकते हैं, हमने क्या किया, नोटपैड भी खोल लिया, हम टाइपिंग भी कर रहे हैं, उधर वीडियो भी चला दिया, उधर फेसबुक में, मतलब मल्टीपल प्रोसेस चल रहा है, मतलब एक समय में कई कार्य चल रहे हैं। अब इस कार्य को कोई ना कोई तो शेड्यूल कर रहा है, कोई ना कोई तो मैनेज कर रहा है। जैसे हमने किसी प्रोसेस को बंद कर दिया तो वेटिंग मोड में चला गया, किसी को हमने क्लोज कर दिया तो वो डेड मोड में चला गया, तो सारा कोई ना कोई तो मैनेज करता है ना, वो कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये हमारे महत्वपूर्ण टास्क होता है कि वो हमारे प्रोसेस को मैनेज करके रखता है कि कौन सा प्रोसेस रनिंग स्टेज में, कौन सा वेटिंग में है, कौन सा डेड में है, ये सारा मैनेजमेंट कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात आती है मेमोरी प्रबंध की, किसकी आती है, मेमोरी मैनेजमेंट की। इसका एक
महत्वपूर्ण टास्क होता है कि वो हमारे मेमोरी को मैनेज करके रखता है। इससे आपको मेमोरी चैप्टर में आपको मेमोरी के बारे में बताया गया है कि मेमोरी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो मेरे कहने का मतलब हुआ, जैसे हमारे कंप्यूटर में हमने बोला भाई मोबाइल में हमारे ये 60 GB का चिप लगा हुआ है, ये 60 GB किसने बताया आपको? आप बोलेंगे उस पर लिखा हुआ है सर, तो लिखा हुआ अगर मैं उसको मिटा दिया तो किसने बताया, तो कैसे पता चलेगा? तो मोबाइल में आपको मेमोरी स्टेटस होता है, वहां पे जाएंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, टोटल कैपेसिटी कितनी है, कितना यूज हो चुका है, कितना फ्री है, ये सारा मैनेजमेंट जो होता है हमारा कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत। अब आते हैं हम बात हमारी फाइल मैनेजमेंट। मैं बात करता हूँ फाइल मैनेजमेंट, जैसे आप बेसिकली देखा जाए जैसे एक लाइब्रेरियन होता है, लाइब्रेरियन की जिम्मेदारी होती है कि हम वो आपके लाइब्रेरी को मेंटेन करे कि लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं, कितनी इशू हो चुकी हैं, कितनी किस स्थिति में है, कौन बच्चा लिया है, ये सारा मैनेजमेंट कौन करता है? लाइब्रेरियन करता है। उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम का ये हमारे एक महत्वपूर्ण टास्क होता है कि वो हमारे फाइलों को मैनेज करके रखता है। अगर हम किसी फाइल को रीनेम कर दिए तो उसका नाम बदल जाता है, डिलीट कर दिए तो डिलीट हो जाता है, मूव कर दिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके चले गए तो वो फाइल वहाँ से वहाँ चली जाती है, ये सारा मैनेजमेंट कौन करता है? ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टास्क होता है कि वो सारे हमारे फाइलों को मैनेज करके रखता है। अब बात आता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट सिस्टम। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट सिस्टम, मेरे कहने का मतलब ये हुआ जैसे कोई भी यूज़र ने निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, तो वो मेमोरी पे ले जाना, प्रोसेस कराना, प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट मिलना, ये सारा मैनेजमेंट कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग दोबारा वही नहीं डालते तब तक वो ओपन नहीं होता है, तो इसका मतलब कोई ना कोई वो पासवर्ड स्टोर करके रखता है, जब आप दोबारा डालते वो चेक करता है कि भैया वो ऑथेंटिकेट पर्सन है कि नहीं है, अगर वो मैच करता तभी ओपन करता है। तो ये सारा मैनेजमेंट कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हम आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बता दे रहे हैं जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में चल रहे हैं। भाई जैसे कल आपसे कोई पूछ लिया भैया, या कहते हैं ना कि वो कभी बात कर रहा है भैया हम विंडोज 7 पे काम कर रहे हैं, विंडोज 8 पे काम कर रहे हैं, विंडोज 10 पे काम कर रहे हैं, विंडोज 11 पे काम कर रहे हैं, हमने तो XP पे काम किया था सर, हमने 95 पे काम किया था, तो ये किस चीज़ की बातें कर रहा है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बातें कर रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की बातें कर रहा है। विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नाम बता दें भैया ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कोई अगर आपसे कल कहे भैया विंडोज 7 पर काम रहे हैं, विंडोज 8 पर काम रहे, तो आप समझ जाइए वो किसकी बातें कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर चलने वाला नहीं है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम आप कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा नहीं, चाहे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली विंडोज आपको 1.0, विंडोज 3.0, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 98, विंडोज मी, विंडोज 2000, विंडोज XP, विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10। विंडोज 7 आया तो पॉपुलर हुआ, फिर विंडोज 8 आया तो 8 मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाया, फिर विंडोज 10 आया, इसमें मार्केट में जो ज़्यादातर जो लोग विंडोज 7 यूज़ करते हैं या विंडोज 10 यूज़ करते हैं, विंडोज 11 भी मार्केट में आ गया, लेकिन अभी विंडोज 7, विंडोज 10 में हम लोग बेसिकली विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम यही यूज करते हैं। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी तरह लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में भी अवेलेबल है। मेरे कहने का मतलब हुआ ऐसा नहीं कि सिर्फ विंडोज के ही ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते हैं, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ टू व्हीलर वाली कंपनी की, गाड़ी बनाने वाली कंपनी की, ऐसा नहीं कि एक ही राज्य है हीरो का। भाई बेसिकली पहले अगर मैं टू व्हीलर की बात करता तो मेरे माइंड में क्या आता, हीरो होंडा, इसके बाद कोई गाड़ियाँ मेरे माइंड में आती थी भैया नहीं ये भी गाड़ी। उसी तरह जैसे बजाज है, हीरो होंडा है, या होंडा अलग कंपनी हो गई है, तो मतलब अलग अलग, उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग अलग। विंडोज अगर यूज़ करना हो तो भाई विंडोज के बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करिए, अगर लिनक्स के यूज़ करना है तो लिनक्स यूज करिए। आपको लिनक्स में आपका उबंटू हुआ, लिनक्स हुआ, रेड हैट हुआ, फेडोरा हुआ, तो ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपसे कल कोई कह सकता है भाई मैं लिनक्स पे काम कर रहा हूँ, मैं फेडोरा पे काम कर रहा हूँ, मैं उबंटू पे काम कर रहा हूँ, तो उसका कहने का तात्पर्य वो किसकी बातें कर रहा है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम की बातें वो
कर रहा है। तो आई होप मेरे इस वीडियो में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझा, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझा, इंटरफेसेस कितने तरह के होते उसके बारे में जाना, और आपको फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझा, और आपको हमने कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम भी हमने बताया। मार्केट में विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज वेस्ट में चल रहे हैं, लिनक्स में आपका उबंटू यूज करते हैं लोग, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हुई। इस वीडियो के नीचे लिंक में हम आपको इसके प्रॉपर नोट्स आपको पीडीएफ में अवेलेबल रहेगा। इस वीडियो को देखिए और अपने नोट्स को डाउनलोड करके उसको स्टडी करिए। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको नंबर्स हैं उस नंबर पे व्हाट्सअप करके डिस्कशन कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करें। हमारा बस एक ही उद्देश्य ये है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो वो सारे सॉर्ट आउट हो, आप इजिली मतलब आसानी से हिंदी बेस्ड में आप कंप्यूटर को आसानी से सीख सके। अभी आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको बराबर मिलते रहेंगे जिससे आप इजिली कंप्यूटर, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओ लेवल के लिए, ये पहला पेपर जो है फंडामेंटल बेस्ड है, पहला पेपर आपका फंडामेंटल बेस्ड है, तो आप इसे ट्रिपल सी के लिए भी यूज कर सकते हैं या फिर अदर कंप्यूटर लर्निंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। धन्यवाद सर।